देवास जिले के टोंकखुर्द अनुभाग में इकलेरा माताजी ग्राम में एक तेंदुआ आम लोगों के बीच में आ गया। बड़ी मुश्किल से लोग उसके पास डरते डरते पहुंचे, लेकिन जब देखा कि तेंदुआ बीमार है तो लोग उसके साथ खेलते रहे। साथ ही तेंदुए पर बैठकर भी लोगों ने अपनी तस्वीर एवं वीडियो बनवाई, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और लोग वहां पर वन फॉरेस्ट के लोग पहुंचे। आज आपके ये गांव में जो कौन सा गांव है और कौन सा जानवर आपको दिखाई दिया? गांव इकलेरा माताजी है, तो तहसील है। अभी 1:30 बजे के समथिंग हमारे द्वार का गांव में से जंगल में से फोन आया कि भाई साहब अपने जंगल में एक तेंदुआ टाइप घूम गया। तो हमको यकीन नहीं आया, तो हमने भैया लोगों को सबके परिवार में खबर करी, तो परिवार के लोगों ने सभी मिलकर वहाँ पर पोजीशन मतलब मौका जाके देखा, तो वास्तविक तेंदुआ दिखा। फिर इन लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप करा, फिर विषय व्हाट्सअप करा, तो मैंने आपको खबर दी कि भैया हमारे यहाँ पर तेंदुआ है। तो आपने कहा भैया ठीक है, आप फॉरेस्ट विभाग को खबर कर दो। तो हमने फॉरेस्ट विभाग को खबर कर दी, उसके बाद में आप लोग आ गए, ये आ गए और सारे बच्चों में बहुत सारा ढेर हो गए यहाँ पे। तो आप फॉरेस्ट की टीम कब तक आ रही है यहाँ पर? फॉरेस्ट की टीम क्या, ये उनके भैया एक जवान तो दो जवान और दो जने पुलिस वाले तो आ ही गए, इसके बाद में ये बोल रहे हैं 5-4 मिनट में आने वाली है। आपका नाम? राजेश पाटीदार। बताए सर, यहाँ इकलेरा माता जी में तेंदुए मिलने की सूचना मिली थी, तो विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? आज जैसे हमको तेंदुए की सूचना मिली ग्राम इकलेरा से कि तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आगे आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पर आए हैं और जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी वो पास में या नाले में उतरा है नीचे, और तो पूरी टीम लगी हुई है और हमारी रेस्क्यू टीम एक जो देवास वाली है वो मौके पर आ चुकी है। तो उसको पकड़ने की क्या कार्रवाई कर रहे हैं अपन? उसको पकड़ने की कार्रवाई ये है कि अभी उज्जैन से एक टीम आ रही है और पिंजरा भी लेके आ रहे हैं, तो उसको यहाँ से पकड़ के सीधा जहाँ अधिकारी जैसा बोले वैसा हम उसको पहुँचा देंगे। इंदौर भेजना, उज्जैन पहुँचाना है। आपका नाम एवं पद सर? जितेंद्र सिंह चौहान, वन रक्षक, भीड़ घाट कचनारिया।